हेलो दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के पहले ओडीआई मैच में काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ। इसमें भारत की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए अच्छी शुरुआत की और मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 188 रन पर ऑल आउट करके मैच को 190 रन का टारगेट आसानी से चेज करके मैच सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इस मैच में इंडिया की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने तीन तीन विकेट हासिल किए, वहीं कुलदीप रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। साथ ही हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 विकेट खोकर 188 रन बनाए और इंडिया टीम को जीत के लिए 190 रन का लक्ष्य रखा। उस जवाब में भारतीय टीम ने उसे 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच में केएल राहुल ने 75 रनों की शानदार इनिंग खेली और वहीं साथ ही रविंद्र जडेजा ने 45 रन बनाए और 2 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। धन्यवाद।